अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल्स और बहुत आसान बहुत मज़े की रेसिपी है। और इसमें मैं जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास गाजर हैं आधा किलो, मटर ये भी आधा किलो, टमाटर तकरीबन ये मेरे पास दो बड़े साइज़ के टमाटर वो मैंने लिए हैं और इनको क्यूब्स में कट कर लिए, 4 से 5 हरी मिर्चें, आधा किलो मेरे पास आलू हैं और आधा किलो ही मैं इसमें मेथी यूज़ कर रहा हूँ। और अब इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 कप ऑयल का ऐड करूंगा और उसको मैं हाई फ्लेम पे गरम कर लूंगा। ऑयल गरम हो गया है और सबसे पहले मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगा। इनको अच्छी तरह फ्राई करूंगा मैं। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगा। इनको भी अच्छी तरह फ्राई करूंगा मैं। जब टमाटर इस तरीके से गल जाए, देखें आप अभी पूरी तरीके से गले नहीं है मगर जो है उसके जो टमाटर का अपना रस बस हो जाएंगे, तब मैं इसमें जो आलू है मेरे पास ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मसाले मैंने अभी तक कोई इसमें ऐड नहीं किए। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मसाले जाते भी नहीं है। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 पिंच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच,
अब मैं इसमें एक टेबलस्पून सिरका ये ऐड करूंगा। और आधी चाय का चम्मच जीरा, अब मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूंगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। गाजरें ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगा। सब्जियों को आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें शामिल करना है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगा तकरीबन एक टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करूंगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो मेरे पास मेथी है ये मैं ऐड कर दूंगा। इसको कर लूंगा अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगा। जिससे हम चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह फ्लेम को कर दूंगा और ये बाकी की सब्जी जो है मेरी दम पे पकेगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ये देखें ढक्कन हटाया मगर अभी इसमें पानी है। अभी मैं इसको दोबारा जो है दम पे लगा दूंगा। आप भी जब इसको दम लगाएं तो तब आप इस बीच में चेक करते रहिएगा। अभी मैं इसको दोबारा कवर कर देता हूँ। तकरीबन 5 मिनट के बाद दोबारा मैं इसको चेक करूँगा जी। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए मैंने दम हटाया है और ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए पानी जरा भी नहीं है इसमें। ये देखिए ऑयल और एंड के ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला
ऊपर से इसका स्प्रिंकल करूंगा और मजेदार सी हमारी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। आप इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, खासतौर पर ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ आप इसको खाएं तो बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।